हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने विंडोज 10 की परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करेंगे। हालांकि फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, लेकिन आज की ये वीडियो जो है फ्रेंड्स सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है। नॉर्मल यूजर्स कहने का मतलब मेरा ये है, यानी ऐसे लोग जो अपने ऑफिस के कुछ काम वगैरह करते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं या लैपटॉप में मूवीज़ वगैरह गाने वगैरह सुनते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये ट्रिक है। और ऐसे में ये लोग ज़्यादा एप्लीकेशंस का यूज़ तो करते नहीं है, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, इनका कंप्यूटर अगर ज़्यादा हैंग करता है या ज़्यादा स्लो चलता है, तो आप जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो कैसे आपको फिक्स करना है ये चीज़ जानते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा दिस पीसी में, यानी माय कंप्यूटर। इसके बाद आपको क्लिक करना है कंप्यूटर पे, और यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम्स पे। इसे क्लिक करने पे सेटिंग आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशंस आ जाएंगी। ठीक है, आपके कंप्यूटर में अलग एप्लीकेशंस हो सकती है। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है जिसे आप यूज़ नहीं करते, तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। याद रखना फ्रेंड्स, ड्राइवर वगैरह अनइंस्टॉल ना करना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है देखिए सारे फीचर्स जो है आपको दिखा देगा विंडोज़ के कौन कौन से आपके कंप्यूटर में ऑन है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसके आगे आपको टिक देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ये जो है आपके सिस्टम है, यानी ये सर्विसेज जो है इनेबल है। अब आपको डिसेबल कौन कौन सी सर्विस करनी है, यानी कि जिन ऐसी सर्विस जिनका आप अपने कंप्यूटर में यूज़ नहीं करते। तो चलिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको इंटरनेट एक्सप्लोर 11 को डिसेबल कर देना है, क्योंकि फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट ने भी अब ऑफिशियली इसको जो है सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो आप भी जो है इसको डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, लेगेसी कंपोनेंट्स यहाँ से आपको अनचेक कर देना है। मीडिया फीचर्स मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे आपके मीडिया के जो फीचर्स होते हैं, विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, ठीक है, और जैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, फ़ोन से लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, तब ऐसे केस में वो सिंक नहीं हो पाती है फाइल्स वगैरह। तो ऐसे केस में आप ये विंडोज़ फीचर्स को चेक ही रहने दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF इसको बंद कर दीजिए। हमें एक्सेल वगैरह में, ठीक है, या वर्ड वगैरह में फीचर हमें देखने को मिल ही जाता है, इसको भी बंद कर दीजिए। इसकी ज़रूरत तो हमें बिल्कुल होती नहीं है आज की डेट में XPS डॉक्यूमेंट राइटर की। ठीक है, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विस, अगर आप प्रिंटर वगैरह यूज़ करते हैं तब तो इसको इनेबल रहने दीजिएगा, अगर नहीं करते तो इसको डिसेबल कर दीजिए। अब देखते हैं और कौन कौन सी सर्विस है, और यहाँ पे जैसे SMB डायरेक्ट इसको बंद कर दीजिए, टेलनेट क्लाइंट इसको बंद कर दीजिए, वर्चुअल मशीन इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, पावर शेल आप यूज़ करते नहीं हैं तो इसको बंद कर दीजिए, अगर यूज़ करते हैं तो चेक रहने दीजिएगा। और विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स ये क्या है, तो फ्रेंड्स अगर आप लिनक्स की एप्लीकेशंस वगैरह या उसका कंसोल वगैरह अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं तब तो अच्छी बात है, आप इसको इनेबल रखिए, अगर नहीं करते तो इसको डिसेबल कर दीजिए। वर्क फोल्डर फॉर क्लाइंट इसको भी डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से कर दीजिए ओके। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो है इस फीचर को जो है सारी जितने भी हमने इसको अनचेक किया है उन सभी को जो है डिसेबल करना स्टार्ट कर देगा। ये छोटा सा टाइम लेता है, यानी लेस देन 1 मिनट में जो है ये काम कर देगा, और उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर जो है, यानी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो लाइट मोड में जो है चलने लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो सर्विसेज बैकग्राउंड में रन होती है उसको जो है डिसेबल कर देगा। तो चलिए वेट करते हैं इसका कंप्लीट होने का। तो फाइनली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब आपका कंप्यूटर जो है यहाँ पे रीस्टार्ट के लिए बोलेगा। आपको क्या करना है, अब अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है, और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपका कंप्यूटर जो है लाइट मोड में चलने लगेगा। फ्रेंड्स किसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मेरा यूजर नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।